स्वागत है आपका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कोरोना पैंडेमिक में खुद को से सेफ रख रहे हैं। जिसको समटाइम्स कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉजेस कहा जाता है, ईफ वाले जो सेंटेंसेस हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट की बातें होती हैं, कुछ इमेजिनरी सिचुएशन की भी बातें होती हैं, कुछ प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर की भी बातें होती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल सामने आएंगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पहली बात तो ये, मैंने सोचा कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से इसका मटेरियल प्राप्त किया जाए और वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो पहले मैंने कोशिश की रेनन मार्टिन देखने की, उसमें चीज़ें मिली मुझे लेकिन एक तरह से नहीं मिली। उसमें एडवर्बियल क्लॉज में एक सेक्शन है, उसमें एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में कुछ चीज़ें थीं लेकिन वो मुझे वेल पैटर्न में नहीं लगी। तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से ये मटेरियल निकाला है। ब्रिटिश काउंसिल, याद रखिए, ऑथेंटिक वेबसाइट है, इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा काम है उसका। और कभी फुर्सत मिले तो उसकी वेबसाइट को भी विज़िट करिए अगर इंग्लिश में थोड़े आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखने के अगर आप शौकीन हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट। इंग्लिश टीचर्स के लिए स्पेशली वो काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है। चलिए तो हम बात करेंगे कंडीशनल्स। जो वर्ड यूज़ किया है ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट ने इसके लिए वो है कंडीशनल्स। करेक्ट, कंडीशनल्स डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। किसी सर्टेन कंडीशन के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे हम इसमें, करते हैं कंडीशनल्स में। द ईफ क्लॉज टेल्स यू द कंडीशन। जो उसमें ईफ क्लॉज होता है, ईफ क्लॉज का मतलब जो सेंटेंस का जो आधा हिस्सा क्लॉज वाला है, जो ईफ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडी हार्ड, तो ये जो क्लॉज है कह रहा है वो क्या करता है, वो आपको कंडीशन बताता है। एंड द मेन क्लॉज, इसका मतलब ये हुआ कि ईफ वाला जो क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। पढ़ा ही होगा आपने प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो ईफ वाला क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, वो आपको कंडीशन बताता है। एंड द मेन क्लॉज टेल्स यू द रिजल्ट। और जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो रिजल्ट बताता है। जैसे एग्जांपल में दिया है यहाँ पर इफ क्लॉज का, इफ़ यू स्टडी हार्ड, और मेन क्लॉज का एग्जांपल दिया यू विल पास योर एग्जाम्स। द ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेस डज नॉट चेंज द मीनिंग। तो इफ और मेन क्लॉज को पहले इफ क्लॉज को रखें बाद में मेन क्लॉज को रखें, या मेन क्लॉज को पहले रखें इफ क्लॉज को बाद में रखें, उससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो क्या बदलता है, अंतर क्या है दोनों में, देखिए ध्यान से। आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ लिटरेचर या लैंग्वेज में एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मीनिंग में बदलाव नहीं है तो फ़ायदा क्या है ऑर्डर चेंज करने का, पंक्चुएशन का फ़ायदा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्जाम्स, एक सेंटेंस। लेकिन अगर इफ क्लॉज पहले आ रहा है तो बीच में कॉमा का यूज़ हो रहा है। अगर वही उल्टा हो जाए, यू विल पास योर एग्जाम्स इफ़ यू स्टडी हार्ड, इसमें कॉमा का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी फेमस सेंटेंस है। जैसे इंग्लिश में जब आप ग्रामर पढ़ते हैं शुरू में, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं, तो पहला सेंटेंस आप जो क्लासिकल आपको पढ़ाया जाता है, राम स्कूल जाता है या राम जाता है, उसी तरह से इसमें जो है जो चीज़ पहले बताई जाती है वो यहीं से शुरुआत होती है जनरली। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्जाम्स, या अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो गए होते। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेज अभी आप आगे आएंगे। इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट की बात करते हैं उसमें। यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल के बतौर केवल दिया है कंडीशनल में, लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे में भी इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है और जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में है। अगर हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो होगा कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे या कठिन परिश्रम से पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो हिंदी में दोनों फ्यूचर का लगता है, लेकिन जब उसको ईफ क्लॉज के हिसाब से बनाते हैं, कंडीशनल के हिसाब से बनाते हैं,
तो पहला वाला हिस्सा जो है, जो इफ क्लॉज का हिस्सा है, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। बाद वाले हिस्से को हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। आगे हम देखेंगे, ये तो केवल शुरुआती एग्जाम्पल है। अब कंडीशनल्स को किस तरह से ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर बांटा गया है, वो है ज़ीरो क्लॉज, फिर फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, नॉट क्लॉज एक्चुअली, कंडीशनल्स, ज़ीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकेंड कंडीशनल्स, विल टॉक अबाउट इट। देखिए कह रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ज़ीरो कंडीशनल में क्या है, वी यूज द ज़ीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू, स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स। कोई नियम कानून की जब हम बात करते हैं, लॉ एंड रूल्स की बात करते हैं, वहाँ पर ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्यों कहा गया है, कि इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, सब एक जैसा होता है, मतलब सिंपली चीज़ें प्रेजेंट में जा रही हैं। देखो सेंटेंस, देखिए आप सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कांट स्लीप एट नाइट, इफ वाला क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में है, आई कांट स्लीप एट नाइट, ये तो प्रेजेंट में है ही। इसको हम सिंपल प्रेजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम अलग चीज़ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग चीज़ है। तो पहला तो सिंपल प्रेजेंट में है, इफ़ आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी आई कांट स्लीप एट नाइट, बस ये मानकर चलिए दोनों तो प्रेजेंट में दिख रहा है आपको। उसी तरह से आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, ऑब्वियस है, बर्फ को गर्म करेंगे आप तो वो मेल्ट करेगा। लेकिन यहाँ दोनों का दोनों प्रेजेंट में है, ये ध्यान में रखिए। अगर किसी इंसान को आप गुस्सा दिलाते हो तो वो आपका मुंह तोड़ देगा, इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा तो उसमें एक जो है फर्स्ट हाफ जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन सेकंड हाफ जो है उसका वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ क्या है, दोनों का दोनों प्रेजेंट में, इसीलिए ज़ीरो कंडीशनल है। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब नीचे जाता है। और कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर लिखा है सनसेट्स नहीं लिखा है, लिखा है सन गोज डाउन, साइंटिफिकली भी सही बात है भाई, जो दिखता है हमको, हालांकि वो साइंटिफिकली क्या सही होगा, सूरज तो नीचे नहीं जाता, पृथ्वी ही घूमती है। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, तो इस तरह की चीज़ें ये ज़ीरो कंडीशन में बनती हैं, इसमें दोनों के दोनों जो हैं प्रेजेंट में नज़र आते हैं हमको। क्लियर हुआ ज़ीरो कंडीशनल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में देखिए क्या है, इसी की बात हम कर रहे थे जब हम कंडीशनल्स चैप्टर की शुरुआत की थी, तो उसमें जो एग्जांपल दिया था कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। फर्स्ट कंडीशनल में क्या है, वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस वी बिलीव आर रियल और पॉसिबल। ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ कहाँ करेंगे, फ्यूचर सिचुएशन के बारे में जब हम बात करते हैं, हमको लगता है कि वो पॉसिबिलिटी है, वो हो सकेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पॉसिबल है, वो है फर्स्ट कंडीशनल। और एक और पढ़ना होगा हमको, जिसमें हम इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, पास्ट की बात है, ऐसा किए होते तो ऐसा होता, तो इनकम्प्लीट एक्शन है, वो हो नहीं सकता। या कुछ ऐसी चीज़ जो इमेजिनेशन में, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ा करता, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां फर्स्ट कंडीशनल की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, फ्यूचर सिचुएशन की बात करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि वो रियल या पॉसिबल है, वहां पर फर्स्ट कंडीशनल का यूज किया जाएगा। इफ इट डजंट रेन टुमारो विल गो टू द बीच, फर्स्ट हाफ इफ वाला क्लॉज देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, सेकेंड हाफ जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में। Arsenal will be top of the league if they win. देखिए will be top of the league, और ये देखिए वो if वाले clause को बाद में कर दिया, तो बीच में comma नहीं है इसमें। When I finish work, I'll call you. When I finish work, I'll call you. Clear है? अब इसी को समझा दिया है अच्छे से। In first conditional sentences, the structure is usually if or when. If oblique when दिया है, present simple, और दूसरा जो हाफ है उसमें विल प्लस इन्फिनेटिव। तो अब इन्फिनेटिव में यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, इन्फिनेटिव जनरली क्या होता है, टू प्लस वी वन होता है, लेकिन सिंपली केवल वर्ब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे टू रीड जो है, अगर इन्फिनेटिव है तो रीड बेयर इन्फिनेटिव है। क्लियर है? तो विल प्लस, ऑब्वियस है कि विल के बाद तो वी वन लगता ही है,
तो जैसे आई विल कॉल यू लिखा है ना इसमें, जैसे ऊपर भी लिखा होगा वी विल गो, तो विल के बाद गो लिखा हुआ है वी वन। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल आपको दिमाग में रखना है फर्स्ट कंडीशनल के लिए वो यही है, इफ व्हेन, इफ और व्हेन, प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा विल प्लस इन्फिनिटिव, जिसको मैं सिंपल प्रेजेंट बोल रहा हूँ बार बार। यानी फर्स्ट हाफ सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड हाफ या जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉमन टू यूज दिस स्ट्रक्चर विद अनलेस, एज लॉन्ग एज, एज सून एज, और इन केस इंस्टीड ऑफ इफ। कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि हम इसमें अनलेस का यूज़ करें, एज लॉन्ग एज का यूज़ करें, एज सून एज का यूज़ करें, ठीक है, और इन केस का यूज़ करें इफ के जगह पर। ऐसा नहीं कि केवल इफ वाला ही दिमाग में रहे। लिखा है आई लीव एज सून एज द बेबी सीटर अराइव्स, एज सून एज का यूज़ हुआ, एज सून एज आई लीव, सिंपल फ्यूचर, बाद वाला सिंपल प्रेजेंट। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन लंडन अनलेस आई गेट अ वेल पेड जॉब, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन लंडन अनलेस आई गेट अ वेल पेड जॉब। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन जो है कहीं ना कहीं, ये तो यूज़ कर दिया यहाँ पर जीरो इन्फिनेटिव का यूज़ कर दिया, दोनों सेम कर दिया है। आई गिव यू अ की इन केस आई एम नॉट एट होम, आई गिव यू इन केस, ठीक है, यू कैन गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू आर बैक बाई मिडनाइट। ये भी कहीं ना कहीं वो जीरो इन्फिनिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया है। हाँ, तो बात करेंगे अगर नॉट जीरो इन्फिनिटिव, उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, सॉरी, फर्स्ट जीरो कंडीशनल में ये रूल भी था ना, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। द स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है यहाँ पर इसका भी जीरो कंडीशनल का, इफ व्हेन प्रेजेंट सिंपल फिर प्रेजेंट सिंपल, यानी दोनों का दोनों प्रेजेंट सिंपल में, या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड कंडीशनल पर। क्या कह रहा है सेकंड कंडीशनल? द सेकंड कंडीशनल इज यूज टू इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर इम्पॉसिबल और अनलाइकली इन रियलिटी। पॉसिबिलिटी होती लेकिन मतलब वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है, कल्पना करने में क्या जाता है। तो ऐसे केस में जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं, क्या कह रहा है कि टू इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन, या तो प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए इमेजिन करें या तो फ्यूचर के लिए इमेजिन करें, लेकिन जो इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता रियलिटी में, उस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको सेकंड कंडीशनल में रखा गया है। इफ वी हैड अ गार्डन वी कुड हैव अ कैट, इफ वी हैड अ गार्डन, हाँ, अगर हमारे पास गार्डन होता तो हम कैट रखते। इफ आई वोन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई अ बिग हाउस इन द कंट्री, इफ आई वुडंट वरी, सॉरी, आई वुडंट वरी इफ आई वर यू। देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट सिंपल, जैसे सेकेंड सेंटेंस इसका एग्जाम्पल दिया है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ आई वोन अ लॉट ऑफ मनी, वी टू का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में होता है। फिर है दूसरा जो पोर्शन है उसमें वुड प्लस इन्फिनिटिव, लिखा है ना आई वुड बाई अ बिग हाउस इन द कंट्री, तो जो है सिंपल पास्ट फर्स्ट हाफ में इफ वाले क्लॉज में, बाद वाला क्लॉज जो है उसमें मेन क्लॉज में वुड के साथ इन्फिनिटिव, यानी बेयर इन्फिनिटिव है, सिंपली वी वन, आई वुड बाई अ बिग हाउस, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को देखिए, हो सकता है देख करके लग रहा हो कि ये तो कुछ अलग है, इफ़ वी हैड अ गार्डन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वो हैव हैड का यूज़ किया है, तो हैड भी वी टू ही होता है। इफ़ वी हैड अ गार्डन तो एक तरह से ये वी टू वाला सेंटेंस ही है, तो सिंपल पास्ट में इसको कंसिडर कर सकते हैं। वी कुड हैव अ कैट, तो जैसे वुड की जगह कुड हो गया, तो उसके बाद फिर भी हैव अ कैट आ गया ना, यानी वी वन, जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये भी वही है, देखने में हो सकता है आपको लगे कि अलग है, लेकिन अलग नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह से नीचे आइए थर्ड में, आई वुडंट वरी इफ आई वर यू, अगेन आई के साथ यहाँ पर वर का यूज़ किया है, होना चाहिए था वॉस का, लेकिन वर का क्यों किया है, WERE,
क्योंकि आप जानते हैं कि जब इमेजिनेशन की बात आती है तो वहाँ पर सारे के सारे, यहाँ पर WERE जो है ना, ये इमेजिनेटिव वर्ड है, इमेजिनेशन शो करने के लिए यूज़ हुआ है। बात समझ में आ रही है? इफ़ आई वर यू, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ई प्लस पास सिंपल है और आई वुडंट वरी तो वुड प्लस इन्वेंटिव है ही। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम सेकेंड कंडीशनल में रखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है, और ये केवल एक बार समझने से नहीं होगा, इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिएगा तब जा कर के चीज़ और अच्छे से दिमाग में घुसेगी। ठीक है, थर्ड कंडीशनल की बात करें, क्या कह रहा है? द थर्ड कंडीशनल इज़ यूज टू इमेजिन अ डिफरेंट पास्ट। वी इमेजिन अ चेंज इन अ पास्ट सिचुएशन एंड द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ दैट चेंज। पास्ट के बारे में, पास्ट को बदलना चाहते हैं हम, और जिससे रिजल्ट बदलता उसके बारे में, जिसको अगर कहें कि इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट, इसी को कहा जाता है इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट, इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट, जिसको IAP शॉर्ट में कहा जाता है। जो पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, अगर होता तो क्या बदलाव होते। एग्जाम्पल दिया है, इफ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली आई वुड हैव पास द एग्जाम। इफ आई हैड अंडरस्टूड, बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, अगर मैंने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझा होता एग्जाम अच्छे से पास कर गए होते। जैसे कुछ लोगों का कुछ नंबर से TGT PGT रह जाता है, तो थोड़ी सी अच्छे से तैयारी और हो गई रहती है, थोड़ा सा और एफर्ट लग गया रहता पास हो गए होते एग्जाम। वी वुडंट हैव गॉट लॉस्ट इफ माई फोन हैडंट रन आउट ऑफ बैटरी। वी वुडंट हैव गॉट लॉस्ट इफ माई फोन हैडंट रन आउट ऑफ बैटरी। ध्यान दीजिए, दोनों का दोनों सेम सेंटेंस है, बस ये है कि सेम सेंटेंस का मतलब स्ट्रक्चर सेम है, बस ये है कि ऊपर वाले में ई वाला क्लॉज पहले आ गया है, नीचे वाले में ई वाला क्लॉज बाद में आ गया है। बात समझ में आ रही है? इस तरह के इनकम्प्लीट एक्शन ऑफ पास्ट के लिए जो स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है? इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा और वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं, V3 पास्ट पार्टिसिपल वुड हैव। सो पास्ट पार्टि यस पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ओके। सो इफ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली आई वुड हैव पास द एग्जाम। वी वुडेंट हैव गॉट। सो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट तो आपको याद हैड के साथ V3 लगता है, तो इफ के बाद आई रहेगा या जो भी कोई सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब अगर इसकी हम बात करें तो इसका मतलब हो गया हैड प्लस V3, है ना? तो हैड प्लस V3 नजर आ रहा है। ठीक, वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव के बाद पास्ट, देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल, फिर वुड हैव के बाद दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो थर्ड कंडीशनल के लिए यही है कि इफ वाला में पास्ट परफेक्ट रहेगा, और इसको आप जिस तरह से याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ये थर्ड कंडीशनल हो गया। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड कंडीशनल्स की। मिक्स्ड कंडीशनल्स की अगर हम बात करें, वी कैन यूज़ मिक्स्ड कंडीशनल्स व्हेन वी इमेजिन अ पास्ट चेंज विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट, और अ प्रेजेंट चेंज विद द रिजल्ट इन द पास्ट। क्या कह रहा है? मिक्स्ड में क्या होता है? वी इमेजिन अ पास्ट चेंज, पास्ट चेंज को इमेजिन करते हैं जिससे कि प्रेजेंट में बदलाव होता है, या कह रहा है और अ प्रेजेंट चेंज विद द रिजल्ट इन द पास्ट, या प्रेजेंट में चेंज कर जिससे पास्ट का बदलाव नजर आए। अब क्या है ये, देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल समझ में आएगा। पास्ट प्रेजेंट का क्या एग्जाम्पल दिया है? हियर इज अ सेंटेंस इमेजिनिंग हाउ अ चेंज इन अ पास्ट सिचुएशन वुड हैव रिजल्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट में जो चेंज हो अगर पॉसिबल, तो उसका प्रेजेंट में क्या चेंज या क्या जो है रिजल्ट होता। इफ आई हैडंट गॉट अ जॉब इन टोक्यो आई वुडंट बी विद माई करेंट पार्टनर। इफ आई हैडंट गॉट द जॉब इन टोक्यो, पास्ट की बात है, अगर जॉब नहीं मिली होती टोक्यो में, जापान की राजधानी, आई वुडंट बी विद माई करेंट पार्टनर प्रेजेंट में, क्योंकि वो होता ही नहीं। जैसे हम एक पर्टिकुलर शहर गए नहीं होते तो किसी समूह स्पेशल से मुलाकात कभी हुई नहीं रहती,
If I hadn't got the job in Tokyo, I wouldn't be with my current partner. पास्ट का एक्शन जो प्रेजेंट को प्रभावित कर रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, वैसे भी देख करके क्लियर होगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट और वुड के साथ इन्फिनेटिव। चूंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, और पास्ट में जो ज़्यादा पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, ये याद रखिए। दो सेंटेंसेस अगर आपके सामने हैं पास्ट के, तो दोनों में जो ज़्यादा पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जो कम पास्ट होगा, कम पास्ट का मतलब जो उससे नया होगा। और यही कारण है कि जब आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें यही लॉजिक लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले क्या हुआ? पहले डॉक्टर आया कि मरीज मरा? पहले मरीज मरा, डॉक्टर बाद में आया। तो मरीज मर चुका था वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है, डॉक्टर के आने की बात सिंपल पास्ट में बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी3 लिखा हुआ है, और फिर वुड के साथ इन्फिनिटिव लगाएंगे, वुडंट बी विद माई करंट पार्टनर। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? प्रेजेंट पास्ट का कंडीशन दिया है। हियर इज अ सेंटेंस इमेजिनिंग हाउ अ डिफरेंट सिचुएशन इन द प्रेजेंट वुड मीन दैट द पास्ट वुड डिफरेंट एज वेल। कह रहे इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इफ इट वॉजंट आई वुडंट हैव कॉल्ड यू ऑन योर और हॉलीडे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने तुमको बुलाया नहीं होता तुम्हारी छुट्टी के दिन। क्या है ये? तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज़ हो रहा है? इफ के साथ पास्ट सिंपल का यूज़ हो रहा है, और वुड के साथ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है। इफ के साथ सिंपल पास्ट यानी वी टू, है ना? इफ वाले केस में इफ इट वॉजंट लिखा है ना, इट वॉजंट, तो सिंपल सिंपल पास्ट में उसका भी यूज़ किया जाता है। एक तो सिंपल पास्ट का ये बनता है कि जैसे ही वेंट टू स्कूल, वी टू का यू सी सिंपली, या दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट वाला बनता है ही वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ टीचर, तो वॉज साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट वाला, तो वॉज वाला पोर्शन भी सिंपल पास्ट कहलाता है। तो अगर हम बात करें इफ प्लस पास्ट सिंपल की, तो यहाँ नजर आ रहा है इफ इट वॉजंट, ठीक है, और वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव के साथ वुड हैव कॉल्ड, ठीक है, वी3, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वी3। क्लियर है? तो ये कुछ बातें रहीं कंडीशनल्स को लेकर के। इसमें वो वर वाला भी छोटा ही हुआ है, WERE करके जो होता है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन कंडीशनल्स के लिए जो एक प्रॉपर सबस्टांस जो मुझे मिला एक तरफ से, वो लगा कि नहीं इसको डिस्कस कर देना चाहिए, क्योंकि TGT 2016 में जो है, मैं पेपर देख रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13, 14, ये चार क्वेश्चन जो हैं वो कंडीशनल से ही आए हुए हैं। तो प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप रिटन प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी ना, तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।